रक्षाबंधन ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार बांधती है और भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन क्या आपने कभी उन भाइयों के बारे में सोचा है जिनकी कलाई हर साल सूनी रह जाती है? जी हाँ, जो जवान सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक अच्छी तस्वीर सामने आई। बस्तर में भी पिछले 4 दशकों से नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के चेहरे भी उस वक्त खिल उठे जब बस्तर की महिलाएं रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए CRPF कैंप पहुंच गई। बाकायदा हाथों में राखी की थाली सजाए जगदलपुर शहर की करीब 30 महिलाएं शहर में स्थित CRPF के 80 बटालियन कैंप पहुंची। यहां जवानों को राखी बांधकर भाई बहन के इस त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। इधर अपने घरों से कोसों दूर बस्तर की रक्षा के लिए तैनात CRPF के जवानों को जब महिलाएं राखी बांधने के लिए पहुंची तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे। CRPF के जवानों के साथ साथ कमांडेंट ने भी बस्तर की महिलाओं से राखी बंधवाई और बस्तर की रक्षा के साथ साथ यहां की बहनों की भी रक्षा करने का वचन दिया। CRPF जवानों को राखी बांधने पहुंची महिलाओं ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले इन जवानों की कलाइयां रक्षाबंधन के दिन सूनी ना रहे और उन्हें यह एहसास ना हो कि वे यहां अकेले हैं, इसीलिए वे उन्हें राखी बांधने के लिए यहां पहुंची है। तो वहीं जवानों ने कहा कि अपने कर्तव्य और छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वे कई सालों से इस रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इन महिलाओं ने उनके बहन बनकर उनके सूनी कलाइयों पर राखी बांधी है। बस्तर की बहनों से राखी बंधवाने के बाद CRPF जवानों ने संकल्प लिया कि बस्तर में नक्सलवाद को जल्द से जल्द वो खत्म करेंगे, साथ ही अपनी बहनों के साथ देश की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। इस मौके पर CRPF के कमांडेंट ने कहा कि बस्तर की ये बहनें हमें यहाँ राखी बांधने आई हैं। इससे हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, भले ही हम अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी फिक्र करने वाली बहनें और परिवार मौजूद हैं।